हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, पुलिस प्रैक्टिस सेट। तो देखिए दोस्तों, दो प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया हूँ। आज आप लोगों का तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तत्काल प्रभाव में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ GS और हिंदी का क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ जो मेन क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के उसके करा देंगे, नहीं तो मैथ और रीजनिंग का आपका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, और जो प्रैक्टिस सेट में करंट आएंगे उस करंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप लोग देख लिया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनरों व परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो एक्सिस बैंक। ठीक है दोस्तों, मार्च 2018 में निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो फिलीपींस है दोस्तों। अगला देखिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है दोस्तों? तो नरसिंह मेहता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो हड्डियाँ। इसके बाद देखिए, किस मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो ऑप्शन दिया है बिंबिसार, अशोक, चाणक्य और अजातशत्रु, तो ये चारों ऑप्शन गलत है। इसमें उदायन होगा। क्या होगा दोस्तों? उदायन। ठीक है, इसको इसके बाद देखिए, योगक्षेम वयम किसका आदर्श वाक्य है दोस्तों? तो LIC ऑफ इंडिया, मतलब जिसको हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य होता है। सन 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो मुंबई है दोस्तों। अगला देखिए, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्यतः हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला देखिए, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला। किसके लिए? मधुशाला। निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध भूमि में स्मृति बनाई गई है? इंडिया गेट। अगला देखिए दोस्तों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है दोस्तों? टिम बर्नर्स ली। अगला देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर। अगला देखिए दोस्तों, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? चंद्रवरदाई ने किया है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। अगला देखिए, मथुरा कला और विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर थे कुषाण। गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भारतीय मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था रानी अहिल्याबाई। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजित किया जाता है 1977 फरुखाबाद में। गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था औरंगजेब। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्न में किस लोक नृत्य नृत्य करके आयोजित बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सहरा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा किसकी किया गया था? शाहजहां। डेटा बुक भारत में जानवरों वनस्पतियों कवकों की दुर्बल और लुप्त प्राय प्रजाति की दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है दोस्तों, रेड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्न में किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो मेंढक होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मानव में आवास द्वारा उत्पादित होती है कंठ। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्न में कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? काली मिट्टी। क्या होती है? काली मिट्टी। तो देखिए, अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्न में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण है गाय। इसके बाद देखिए, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है दोस्तों।
इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है, एंथ्रासाइट होता है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, तो खड़ताल। अगला देखिए निम्न में किस भारतीय वस्तुविद को 2018 का प्रतिजम आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो बालकृष्ण दोषी। दोस्तों ये पुराना करंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है, तो गंगा हरित्रिया। अगला देखिए दोस्तों मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया है, तो आंग सान सू की। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, पूनम यादव। और अगला देखिए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कौन सी शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो मातृभूमि में है, संज्ञा का भेद नहीं है, निजवाचक है। दोस्तों निजवाचक किसका है, सर्वनाम का। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, दोस्तों पुलिंग है तो वचन, ठीक है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला वाक्य क्या है, दर्शन, ठीक है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है, दोस्तों कर्म है। इसके बाद देखिए क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद बताइए, सर्वनाम। अगला देखिए दोस्तों वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद को बताइए, विशेषण। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, कपूर। अगला देखिए सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सर्वज्ञ। अगला देखिए उत्थान शब्द का विलोम होता है, पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुधाकर है। इसके बाद देखिए सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, तो इसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ है जलज जलद कमल समुद्र। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है लेख। सदैव शब्द में संधि है, वृद्ध संधि। प्रतीक शब्द में उपसर्ग है, प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, एक। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है, ईद का चांद होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कहीं ठौर ठिकाना न होना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक छाटिए, कृष्णा जी के अनेक नाम हैं। सद्भावना शब्द में समास है दोस्तों, कर्मधारय। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। इसके बाद देखिए दामिनी दमक रही थी माही, खल के प्रति जथा स्थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, चौपाई। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है, अब चला जाए। देखिए नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाया गया है, उद्धरणचर चिन्ह। अगला देखिए वह काम नहीं करता है वाक्य में अव्यय पद क्या है, नहीं। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, वृष्टि। अगला देखिए दोस्तों स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, सर्दियों के दिन में एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई, वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी और गाड़ी आने वाली थी, उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह उससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी, बस फिर क्या था, बालक के सामने एक लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र इस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोग की जान चली जाती। तो देखिए दोस्तों ये गद्यांश था, गद्यांश पढ़ के आप लोगों को आंसर छांटना है। देखिए बच्चों ने घड़ी क्यों देखी, रेल के आने का समय हो रहा था। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे की सूझबूझ को। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया दोस्तों, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया शाबाशी देने का भाव। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, परहित को। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है, यामा। आगे जो कि किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार। उर्वर्सी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए दोस्तों
ये वीडियो 10 मिनट का मैंने आपका बनाया हूँ जो हिंदी और ये है दोस्तों, तो रीजनिंग और मैथ का मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तत्काल प्रभाव में दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैटर दे सकूँ दोस्तों। धन्यवाद।